हेलो गाइस, ये एचएफ डिलक्स BS6 विदाउट सेल वाली गाड़ी है। उसके अंदर स्टार्टिंग ट्रबल और मिसिंग का प्रॉब्लम है। सुबह सुबह में 5-6 किक लगने के बाद दोस्तों गाड़ी शुरू होती है। मैकेनिक दोस्तों, ये चेक लाइट भी चलते चलते बंद हो जाती है। जैसे ही दोस्तों चेक लाइट बंद हो जाती है तो गाड़ी के अंदर करंट और पेट्रोल दोनों का सप्लाई बंद कर देता है। और दोस्तों जैसे हम उसके अंदर ब्रेक लगाते हैं तो दोस्तों चेक लाइट फिर से ऑन हो जाती है। जैसे ही दोस्तों आगे की ब्रेक दबाते हैं तो चेक लाइट भी उसके साथ अप डाउन होती है। यानी कि हमको लगता है कि उसके अंदर शॉर्ट सर्किट का इशू है, लेकिन दोस्तों ऐसा उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अगर जानना है तो हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। ये दोस्तों इस बाइक की एक्साइट की पुरानी बैटरी है और हमने थॉमस कंपनी की नई बैटरी लगाई है। दोस्तों अभी चेक लाइट नहीं आया। क्योंकि हमने चालू स्विच के अंदर बैटरी लगाई थी इसलिए दोस्तों चेक लाइट नहीं आया था। लेकिन दोस्तों जैसे ब्रेक लगाते हैं तो कोई लाइट ब्लिंक नहीं कर रही है। दोस्तों एक ही किक के अंदर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर बैटरी का फॉल्ट रहा तो गाड़ी मिसिंग और स्टार्टिंग ट्रबल करेगी। BS6 बाइक के अंदर कोई भी फॉल्ट आवे तो दोस्तों उसकी बैटरी का वोल्टेज ज़रूर चेक करें।